विदिशा जिले के सिरोंज जनपद शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक शाला मऊ में जब एमके न्यूज चैनल की टीम बुधवार दोपहर 2:59 पर पहुंची तो स्कूल में शिक्षक तो थे लेकिन बच्चे मौजूद नहीं थे। बता दें कि कक्षा 3, 4, 6, 7 की परीक्षाएं चल रही हैं। शिक्षक द्वारा बताया गया कि गाँव में जलसा होने के कारण बच्चे नहीं आए हैं। वही इस संबंध में जब प्रभारी प्राचार्य से बात करना चाहिए तो वो इस मामले से बचते नजर आए। इसके तहत ही जब एमकेएन न्यूज चैनल की टीम 3:08 पर खानपुर पहुंची तो वहां पर स्कूल में ताला लगा हुआ मिला। बता दें कि इन सब मामलों में आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। वही इन हालातों को देखकर प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल उठते हैं। सिरोंज से रिंकू सुमन की रिपोर्ट। बिल्कुल निरीक्षण करेंगे, ये संज्ञान में आया है हमारे, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके प्रति कार्रवाई करेंगे। और वहीं पास में खानपुर और गांव तो उसमें ताला लगा हुआ था, उसकी भी जांच करेंगे। क्या अपन इसको कब तक इसको जांच की मांग सकते हैं, कितने दिन लगेंगे इसमें? थोड़ा सा इसमें देखूंगी मैं, कार्रवाई होगी अति शीघ्र। यदि बच्चों को परीक्षा से वंचित रखा गया है और छात्र उपस्थित नहीं हुए हैं, संबंधित प्रभारी पर उचित कार्रवाई कर अवगत कराया जाएगा। 5 टीचर हैं सर वहाँ पे, यहाँ तक मेरी जानकारी, 3 महिलाएं 2 पुरुष हैं। तो महिलाएं भी थी और एक पुरुष थे, 5 में फिर भी सर एक बच्चों की कमी, ये कितनी बड़ी वो है सर? बहुत बड़ी लापरवाही है, यदि ऐसा है तो कठोर कार्रवाई कर दंडित किया जाएगा।